हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में बात करते हैं शुगर सेक्टर की एक कंपनी की, दैट इज़ उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड। इस स्टॉक में आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन अच्छी रैली देखने को मिली है। ये स्टॉक 91 के लेवल पे आपको क्लोज हुआ दिख जाएगा और नियरली 2% के अराउंड रैली देखने को मिली है। तो आइए इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स किस तरह के रहे हैं। तो एंड तक जरूर आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज का डाटा देखो, यहाँ पे 11.45% की रैली जो है वो देखने को मिल गई है। और यदि 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें, यहाँ पे भी स्लोली स्टेडली इसके चार्ट में रिकवरी ही देखने को मिल रही है और 16.29% की रैली इसके चार्ट में दिख रही है। 6 मंथ का डाटा देख लेते हैं और भी बढ़िया रिटर्न्स हैं, 74% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक छोटी छोटी करेक्शन के बाद रैली ही करता जा रहा है। और यदि ईयर टिल डेट का डाटा देखें, 201% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल गए हैं। तो क्लियरली इसने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा फाइनेंशियल ईयर 22 में 3 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो कर दिया है। यदि 1 ईयर का डाटा देखें और बढ़िया रिटर्न्स हैं, 246% के रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स में 188% के रिटर्न्स हैं, जबकि मैक्सिमम डाटा 489% के बढ़िया रिटर्न्स ही शो कर रहा है। तो क्लियरली ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो कि कंटिन्यूसली राइज ही करता जा रहा है। तो आइए करंट वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 1.02 करोड़ का है और ये जो कंपनी है इसकी पीई रेशो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी बड़ी रैली होने के बाद 17 की पीई रेशो चल रही है। डिविडेंड जील्ड 0.27% का है, मतलब वैल्यूएशंस भी डिसेंट है। ये जो कंपनी है शुगर सेक्टर में काम करती है और डिफरेंट टाइप के शुगर प्रोडक्ट्स बनाती है। और आइए इस कंपनी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखो एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आ रही थी लास्ट वीक में, उसके कारण भी इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। द एक्सपोर्ट कोटा हाइक में ट्रिगल अप टू 33% रैली इन दीज 3 शुगर स्टॉक्स। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसके कारण इस स्टॉक में अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल गया है। लेकिन यदि सितंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें, रेवेन्यू जो है नियरली 1.42% का ग्रोथ शो कर रहा है और आप कह सकते हो एक तरह से फ्लैट ही ट्रेंड है, क्योंकि इसके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि रेवेन्यू तो बड़े नहीं हैं, सेल्स नहीं बढ़ी है, लेकिन मार्जिन रिड्यूस हो गए हैं 128% के हिसाब से। इसका इम्पैक्ट नेट इनकम पे देखने को मिला है, मतलब इसकी जो नेट इनकम है वो 131% के हिसाब से रिड्यूस हो गई है। तो सितंबर क्वार्टर के नंबर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का डाटा देखोगे, इसका 2018 से लेके और 22 तक का डाटा देखोगे, तो रेवेन्यू देखो कितना शानदार ग्रोथ शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। कंटिन्यूसली जीयर ऑन जीयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में ग्रोथ ही देखने को मिल गई है। सिमिलरली इनकम देखो, 18 में ये कंपनी लॉस में थी, यहाँ पे भी स्लोली स्टेडली रिकवरी देखने को मिल चुकी है और 2022 में ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। मतलब कंपनी सही ट्रैक पे काम कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर 22 का डाटा देखें, रेवेन्यू में 19% की ग्रोथ देखने को मिली है, एक्सपेंस 16% के हिसाब से बढ़ गया है, नेट इनकम में 154% की रैली है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 114% की ग्रोथ शो करते दिखाई दे रहे हैं। तो सारे ही फाइनेंशियल पैरामीटर पॉजिटिव हैं, अच्छी ग्रोथ शो करते दिखाई दे रहे हैं। यदि इसकी बैलेंस शीट देखो तो कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। एसेट्स देख लो, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 22। तो लेटेस्ट क्वार्टरली डाटा देख लेते हैं, तो यहाँ पे जरूर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इनकम कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो कंपनी के कैश में भी रिडक्शन देखने को मिल गई है, लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटी जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे रिटर्न देती दिखाई दे रही है, इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। देखो दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई वॉलेटिलिटी रहती ही है, कई बार कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, कई बार इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके कारण कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी जो आरओई परसेंटेज चल रही है 36% के राउंड चल रही है, जबकि 5 ईयर्स एवरेज की आरओई परसेंटेज 2.86% थी। मतलब जीएली बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कंपनी के नंबर जो हैं वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैट में आपको जो है वो रिडक्शन देखने को मिल चुकी है, क्योंकि
मार्जिन जो है वो कंट्रैक्ट हुए हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन एवरेज बेसिस पे देखें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22 में बहुत ही अच्छे नंबर पेश कर चुकी है। इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ भी 18% की है, जबकि 3 ईयर CAGR 14% की है। तो इसलिए आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट करें। यहाँ पे देखो 1 डे की परफॉर्मेंस, 1 मंथ की, 3 मंथ की, 1 ईयर की और 3 ईयर्स की। 3 ईयर से लेके यहाँ तक देख सकते हो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूसली रैली ही करता जा रहा है। 3 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 7 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो कर दिया है। तो और आपको क्या चाहिए? 5 ईयर्स में भी 237% के रिटर्न्स हैं, 3 टाइम से ज़्यादा रिटर्न्स हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देता दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, कई बार सेक्टर वाइज कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब जैसे हमने आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताई है कि अब इस स्टॉक में आपको जरूर रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी कट हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उसके कारण इस स्टॉक में आपको जरूर आने वाले टाइम में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को सिप के थ्रू अकमुलेट करें, क्योंकि ये कंपनी जो है मेनली शुगर बनाती है, अल्कोहल बनाती है, पोर्ट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बाई प्रोडक्ट्स डीनेचर्ड स्पिरिट बनाती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। तो ये इसके डिफरेंट रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, तो बहुत ही डिवर्सिफाइड बिजनेस है। मेनली शुगर सेक्टर में ही ये कंपनी फोकस करती है, तो इस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। डिवर्सिफाइड कंपनी है, अल्कोहल और शुगर इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके, ये स्टॉक अब पहले आपको 100 के टारगेट पर हिट करता दिखाई दे सकता है इन द शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अपने सिमिलरली पहले वाले पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है। जैसे इस स्टॉक में लास्ट 1 ईयर का पैटर्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, अच्छी रिकवरी हो रही है। तो इस तरह की रिकवरी आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलती रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है।